हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। आज खुश तो बात हूँ ना मैं। डॉक्टर साहब गलत बोल रहे हैं आप, ये बोलिए आज बेवकूफ तो बड़ा लग रहा हूँ मैं। हेलो हेलो मिस्टर पाउट, बेवकूफ ने खुशी हो, मैंने ना फंक्शन रखा हुआ है, ये ला तुम्हारे लिए कार्ड, लेट मत होना, खाना खत्म होते ही आ जाना, ठीक है? कौन जाना लेकिन। संगीत का रंग बिरंगा कार्यक्रम, स्थान 50 हॉस्पिटल, निवेदक डॉक्टर गुलाटी एंड मरीज। बैठने के लिए अपनी कुर्सी खुद लेके आए। शुक्र है कुर्सी बोला इन्होंने, ये नहीं बोला अपना पिछवाड़ा भी खुद लेके आए। ये क्या फंक्शन क्या है? मुंडन है आपके? कैसे आदमी है सिद्धू साहब, इतना नहीं पता भी मुंडन बचपन में होता है, बड़ों का मुंडन नहीं होता, इतना भी नहीं पता। Actually, let me come to the topic. मैंने इसलिए फंक्शन रखा हुआ क्योंकि 100 ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो चुके हैं मेरे। तो आपको तो जेल होनी चाहिए फिर। सेलिब्रेशन किस चीज की है? 100 अनसक्सेसफुल ऑपरेशन हुए, लोगों ने मेरे को बड़ा मारा, लेकिन देखो मैं अभी भी चल फिर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, इस बात की सेलिब्रेशन है। हेलो यार, हद है, इतना बड़ा फंक्शन रखा हुआ है यहाँ सोसाइटी में, कैसी भैंस बेच दी है तुमने। 1.5 किलो मैंने उसको नींबू खिला दिया, 100 ग्राम पनीर नहीं दिया उसने। एक बात बोलूं? बोलो बोलो। आज तू पहला बंदा जिसकी ड्रेस देख के मुझे हंसी आ गई है। ऐसा लगता है स्पेशली अंग्रेज इसको बच्चे उठवाने के लिए बुलाते होंगे। बढ़िया सी बात है, चल रहे दे। आज मैं बहुत खुश हूँ कपिल शर्मा। अच्छा, आज पुरानी टांगों में नया कच्छा डलवाया। आप अपने कच्छे में नई टांगे डालते हो? मेरा फोन आ गया। और कपिल शर्मा आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है। अच्छा, मेरा लोन पास हो गया है। भले मैं दुबई नहीं जा पाया हूँ, लेकिन मैंने इधर ही दुबई बना लेना है। रेत मैंने मंगवा ली है, 20 बाई 30 का छोटा सा दुबई बना लेना। मैं इधर छोटा सा दुबई, मतलब इतना सा बुर्ज खलीफा होगा ना छोटे से दुबई, वहाँ पे इतने ऊँट हो गए 4 फीट के, मैं कुत्तों को ऊँट बनाओगे। एक मिनट रुके, मैं जैकेट पहन के आता हूँ। वो कहाँ जा रहे हो कपिल शर्मा, कहाँ जा रहे हो? पागलों जैसी बातें कर रहा है, डॉक्टर को तो दिखाएं जाके। रेत मंगा ली है, ऊँट मंगा ली है तूने, पागल हो गया तू? कपिल शर्मा मैं पागल नहीं हूँ, मैं बस जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूँ, और मैंने सोसाइटी में फंक्शन रखा और तुम्हें आना पड़ेगा। मैंने नहीं जाना तेरे फंक्शन पे। क्यों नहीं जाना? पिछली बार गया पाजी, मैंने इनके रिश्तेदार, पहली बार मैंने कोल्ड ड्रिंक के लिए लोग रोते हुए देखे। आपको पता है इतनी सी आइसक्रीम के लिए इसकी बूढ़ी दादी ने इसकी ताई पीट डाली। आपको ऐसे रिश्तेदार इनके। नहीं नहीं कपिल शर्मा तुम इधर आओ। नहीं नहीं नहीं, तुम कप्पू को ले जाओ, ये हो नहीं सकता। और मैं कप्पू को छोड़ दो, ये मैं और नहीं दूंगा, और मैं करके बताऊंगा तुमको। ना मेरी बात सुनो। क्या? मेरे ना रिश्तेदार बैठे हुए, उनके सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी। मैंने उनको कहा हुआ है कि मैं डॉक्टर तो दिखाने के लिए, असल में तो मैं कलेक्टर हूँ। तो उन्होंने मान लिया? हाँ, मैंने उनको एम्बुलेंस दिखाई, मैंने कहा ये देखो बत्ती वाली गाड़ी, मान गए। ये दोनों लोगों ने इतना परेशान किया ना, ये उसके रिश्तेदारों के बारे में, उसके बारे में बोल रहा है। तेरे रिश्तेदार कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पाजी, इनके प्लेट ही नहीं खाने को। अच्छा, ऐसे चावल लेते हैं, ऐसे दाल लेते हैं, उनको मिक्स करके गोले बनाते हैं, फिर सारे रिश्तेदार लाइन बैठते, कहता चाचा निशाना नाभि पे लगना चाहिए। आखिरी बात तेरे ऊपर थी, तो मैं जीत गया, तो कप्पू अब तुम मेरे साथ चलोगे। चल एक मिनट, मैं इधर कैसे आ गया? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्यों चलना होगा? इनको मेरे साथ चलना पड़ेगा, इधर मेरे साथ चलना पड़ेगा भाई, मैं लेके जाऊंगा। लेकिन क्यों लेकर जाएंगे? मैं लेकर जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन है, मैंने बहुत बड़े सिंगर को बुलाया हुआ है। तो मैंने भी इधर संगाड़े बेचने वाले नहीं बुलाए, मैंने भी बहुत बड़े सिंगर बुलाए हुए हैं। ठीक है, एक काम करो तुम लोग दोनों अपने अपने सिंगर्स को बुलाओ, मुझे जिनका सिंगर अच्छा लगा मैं उसके चराह पे चला जाऊंगा, ठीक है? पक्का है? पक्का पक्का। डॉक्टर साहब हम ऐसे लड़ रहे थे, ये मीका पाजी और दिलेर पाजी दोनों आपस में भाई निकले। मैं सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करता। हाय आई एम डॉक्टर मिस्टर गुलाटी, डॉक्टर मिस्टर गुलाटी। के मतलब वर्ल्ड फेमस गाना है। ओके एज ए डॉक्टर मैं आपका टेस्ट करना चाहूँगा, मेरे फर्ज बनते हैं। अगर आप दोनों भाई हैं तो फर्ज आपके नहीं बनते, आपके पैसे बनते हैं। फालतू में बकवास कर रहे हैं आप। क्या टेस्ट करना आपको? उनका कौन से पैसे दिए? मैंने इतने टेस्ट किए थे। उनके भाई हैं, भाई इन्होंने कहा ना भाई है, तो मेरा इनको टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। बट या आई वुड लाइक टू डू योर टेस्ट बिकॉज़ आई एम अ डॉक्टर। टेस्ट करो जी। लेट मी गेट माय मेडिकल किट। ओह आप दोनों भाई हैं लेकिन आपको पता नहीं है आपका जो फ्रंट दांत है टूटा हुआ है। मेरे दांत तो पूरे यार। नहीं नहीं नहीं, ये वाले टीथ की बात नहीं कर रहा हूँ। दांत जो ये जो आपका ना कॉमन कंग है ना, इसका ये जो दांत है ये टूटा हुआ है। ये देखिए दांत निकला हुआ है यहाँ से, और इस पर तो कैविटी भी लगी है। सो ब्रश योर टीथ, दिस इज योर कॉमन कंगा, मैंने आपके घर से लाया है। ओके इसको आप सूंघिए, आपको रोज की खुशबू आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं गुलाब। यानी सेम आपका एक है। एक आदमी दिखाई दे रहा है मेरे को जो थोड़ी देर में साड़ी पहन सकता है, पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे हैं आप। उल्टा पुल्टा सवाल नहीं, ये मैं डीएनए टेस्ट कर रहा था। डीएनए टेस्ट कहाँ से? इक्विपमेंट है आपके पास? दांत, नाक और आंख, ये तीनों टेस्ट की ना डीएनए। दोनों भाई ही है, ये प्रूव हो गया है। एंड कंग्रेचुलेशंस एंड फॉर द प्रोग्राम जो आप हमारे लिए कर रहे हैं, उसके लिए ये मैं आपको कुछ पेमेंट देना चाहता हूँ। ये आपके लिए ले। डॉक्टर साहब आप कैश लिफाफे में डालकर दे रहे हैं? कैश दे रहे? तुमने देखा इसके अंदर घुस के क्या है? इसके अंदर मैंने चेक डाला हुआ है, सब वाइट से और आजकल काम। ये आपका थैंक यू, थैंक यू। साइन तो किया नहीं आपने इस पर? सबको मेरा विश्वास चलता है मार्केट में। तूने मीका भाई को क्या दिया? मैंने भी पेमेंट। इधर हो जाओ, पेमेंट देने दो। 1000 दिन होना नहीं यार। नहीं नहीं नहीं, मेरा भी ऑलमोस्ट वाइट का ही है। ये कार्ड साफ कीजिए। ओहो ये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अकाउंट नंबर बोलिए। 1 2 3 4 5 6। एक बार तो आपने मेरा बोल दिया है। इसमें कौन सा कार्ड स्वाइप करते? मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे। प्रॉपर्टी तो सही लेके आ गया। इसमें डस्टर में नोट कर रहा है। ओके पाजी, एंजॉय द प्रोग्राम। ओके पाजी चलो चलो, बाद में हाथ एग्जिट लो फटाफट। चलो 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 चलो, कौन सा टेस्ट करना है आपने? चलो एक बार दिलेर पाजी के लिए, मीका पाजी के लिए जोरदार तालियां। जरा आइए बैठिए प्लीज। पाजी फिल्म शोले में एक डायलॉग था कि ठाकुर साहब वक्त पड़ने पे हम 15-20 पे तो भारी पड़ेंगे। हाँ। और पाजी ये डायलॉग मीका पाजी और दिलेर पाजी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोनों ही 15-20 सिंगर्स पे भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि हर स्टाइल में गा लेते हैं। सूफियाना, पॉप, क्लासिकल, बॉलीवुड स्टाइल, और खुद का स्टाइल तो इनका माशाल्लाह सुपरहिट है ही। मैं दिलेर पाजी का इतना बड़ा फैन हूँ, इतने सालों से जानता हूँ, मैंने कभी नहीं पूछा पाजी आपका नाम दिलेर सिंह कहते हैं, ऐसा सच्ची बात है कि किसी डाकू के नाम पर रखा गया? जी बिल्कुल, ये सही बात है। जी जी, एक फिल्म आई थी जौहर महमूद इन गोवा, एक बहुत पुरानी। तो वो जो फिल्म देखी उसमें तो प्रेमनाथ साहब ने उसमें डाकू दिलेर सिंह का एक रोल किया। डाकू दिलेर सिंह, अच्छा। वो खूब डकैतियाँ मारता है, लेकिन जब देश की बात आती है तो उसको लगता है कि यार सारे लड़ रहे हैं, देश के मिलिट्री लड़ रही है, सारे जवान लड़ रहे हैं जी, तो वो डकैती छोड़ के देश के लिए लड़ते हुए जान दे देता है। तो मेरे माता पिता ने कहा कि अगर मुंडा होया जो अरदास मंगी है तो उसका नाम असी डाकू दिलेर सिंह रखांगे। डाकू भी साथ में? हाँ डाकू। अच्छा पाजी तो दिलेर हैं, मिक्कल बहुत दिलेर हैं। पिछली बार हमारे शो पे आने के चक्कर में एक चैनल का शो छोड़ा। देखो एक दोस्त के लिए सब कुछ कुर्बान। भैया ये तो बिल्कुल इसकी जैसी दिलेरी तो सारी दुनिया ने नहीं देखी कभी। आप कौन सी वाले की बात कर रहे हैं? अच्छा नाम की बात चली है तो दिलेर पाजी से तो हमने पूछ लिया, एक्चुअली सालों से जानते कभी पूछा नहीं। मिका पाजी आपका नाम, मिका आपकी पर्सनालिटी बड़ा सूट करता है, मिका किंग डॉन, तो मिका आपका अपना नाम है कि धमका के किसी से छीना? एक्चुअली पंजाब में जितना भी पाजी को पता है, जितने भी अमरीक सिंह होते हैं उनका निकनेम मिका ही होता है। अब मिका का मतलब तो मुझे पता नहीं, लेकिन माता पिता ने प्यार से मिका रख दिया और मिका हिट हो गया। माँ बाप ने जो प्यार से रखा है उनकी दुआएं हैं सर। पर आपकी पिटाई हुई थी दिलेर भाई से? पिटाई नहीं एक्चुअली पाजी, तुझे देखो हम दोनों में से आपको नॉटी कौन लगता है बताओ, सच में बताओ। कोई पूछने की बात ही नहीं है, शर्म यही बस यही लगता कौन है, हमने देखा है बहुत बार। अच्छा पाजी की आवाज इतनी पावरफुल है, 20 किलो का आदमी सुन लेना 200 किलो का हो जाता है। स्ट्रॉन्ग है इतनी वॉइस पाजी। लेकिन हमने सुना आप अंधेरे में डरते हैं। सच्ची बात है। ऐसा क्या दिखता है आपको अंधेरे में, क्यों डरते हैं आप? पता नहीं मुझे अभी तक समझ नहीं। जब मैं बहुत छोटा सा था तब भी मुझे लगता था कि अगर कितना भी अंधेरा हो, एक लाइट चाहे दूर से नजर आए तो मुझे बहुत तसल्ली होती अंधेरे से। भगवान जाने क्या घबराहट है। फिर जब थोड़ा बचपन से ही जब थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर और जब भूत प्रेतों के किस्से सुनने शुरू कर दिए और यकीन पक्का हो गया। तो यकीन पक्का हो क्योंकि कहाँ से झापड़ पड़ रहा पता नहीं लग रहा ना आपको। भाई इतना डरते हैं कि अभी भी जब टॉयलेट जाते हैं तो दरवाजा इनका खुला ही रहता है और बाहर ना पूछते रहेंगे, हाँ तू बैठा बाहर। और अगर उनका जवाब नहीं है तो फिर कंफर्म करते हैं, हाँ तू बाहर बैठा क्या नहीं? हाँ जी भाई बाहर बैठा, हाँ बस ठीक है बैठा नहीं बाहर, जाइए ना। कमाल कर चुकी है यार। दिलेर पाजी को तो अंधेरे से डर लगता है। आई एम श्योर पाजी आप अंधेरा एंजॉय करते होंगे। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है मुझे। नहीं ऐसा कमाल है ना कि ये सारी रात डरदा सोंदा ही नहीं, जब सवेरे सूरज निकलता फिर सोंदा है। हाँ मैंने इसलिए भी पूछा कि मे भी काला चश्मा लगा के रखते ना। मैं दिलेर भाई हो सकता है बिल्कुल। थोड़े समय पहले मुलाकात हुई थी, हमने पूछा था इनसे कि अगर मिक्का में एक कोई चीज बदलनी हो क्या तो इसका मैं चश्मा उतरवाऊंगा। हाँ मैं पूछना चाह रहा हूँ काला चश्मा क्यों लगाना था? क्यों मतलब राज क्या है इसका? बस दिलेर भाजी क्या है कि दिलेर भाजी जब भी ट्रैवल करते हैं हमेशा इतने सोने रूप में रहते हैं। तुसी भी भाजी सिंह साहब हो तुझे दोनों, तो मैं जब भी फ्लाइट में जाता हूँ तो सुबह ही लोग कहीं टकर जाते हैं भाई एक फोटो। तो सुबह मुंह इतना खराब होता है, एक फोटो के चक्कर में 10 फोटो डालते हैं और फेसबुक पे लोग बोलते हैं यार बड़ा पैड़ा मिका यार। तो मैंने कहा ऐसा कुछ कर दो कि जितनी मेरी फोटोग्राफ जाते रहो यार, हाँ ठीक है तैयार हो जाना। मेरा मेकअप हो गया, चश्मा पहना, मेकअप हो गया बस। एक्चुअली ये सच भी, और आजकल कपिल भी पहनने लग गया बस जगह। आई एम तो वेयरिंग जस्ट बिकॉज माई सेकेंड मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.